Hello everyone, welcome to LBS. Today we are going to continue the chapter 6 of standard 8, squares and square root. And today we will continue the exercise 6.3 exercise from question number 5. So what is the question number 5 here? See, for each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so of 10. तो यहाँ आपको जो भी numbers दे के रखे हैं, सबसे पहले आपको ये find करना है कि आप उसे कौन से smallest number से multiply करोगे कि वो एक perfect square बन जाए. And after making the perfect square, we have to find its square root. उसको perfect square बनाने के बाद हमें उसका root find करना है. Now see, first one is that 252. वी विल यूज़ द फैक्टराइजेशन मेथड. 252 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट बिकम्स 126. क्यों 2 से डिवाइड किया है? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में इवन नंबर है. सो अगेन वी हैव इवन नंबर, 2 से डिवाइड करेंगे, इट बिकम्स 63. नाउ यहाँ पर इवन नहीं है, सो यूज़ द 3. आफ्टर डिवाइडिंग इट बाई 3 यू विल गेट 21. 21 को 3 से डिवाइड करोगे 7. अब 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया. सो यू कैन राइट इट हियर, 252 इज इक्वल टू 2 × 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. तो यहाँ पर आप देखो 7 है वो 1 ही टाइम है. हमको पेयर में सब कुछ चाहिए होता है, तो हम 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 7 2 टाइम हो जाए. सो इट बिकम्स 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. तो आप देखो यहाँ पर पेयर बन गया सब में. दिस इज 1764 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर. आफ्टर टेकिंग रूट यू गेट 2 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 42. तो ये हमारा रूट भी निकल गया. तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया? तो 252 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. मीन्स 252 में आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा. नेक्स्ट वन इज दैट 1008. सो वी विल अगेन यूज द फैक्टराइजेशन मेथड. This is 1008. After dividing it by 2, it becomes 504. After dividing it by 2, it becomes 252. अभी भी डिवाइड होगा. जब तक 1 नहीं आता लास्ट में, तब तक हम उसे डिवाइड करते ही जाएंगे. तो आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 2, इट बिकम्स 126. अभी भी 2 से डिवाइड कर सकते, इट बिकम्स 63. अब यहाँ पर ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर नहीं है, सो वी डोंट यूज़ और वी कांट यूज़ 2. डिवाइड इट बाय 3, इट बिकम्स 21. अभी भी 3 से डिवाइड करोगे तो 7, और 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1. Now what is the multiplication of 1008? This is 2 × 2, 2 × 2, × 3 × 3, × 7. अब यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी 7 वन टाइम है. तो 1008 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 वन टाइम है तो उसे पेयर में करना है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1008 × 7 इज इक्वल टू 2 × 2, 2 × 2, 2 × 3 × 3, × 7 × 7. तो सारे नंबर्स यहाँ पर पेयर में आ गए. 2 का 2 पेयर बन रहा है, 3 का 1 पेयर, 7 का 1 पेयर. तो 2² × 2² × 3² × 7² राइट कर लिया, और ये क्या हो गया, 7056. मल्टीप्लाई किया तो आपने राइट कर दिया. अब 7056 का स्क्वायर रूट क्या होगा? इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 7 इज इक्वल टू 84. तो आपने कौन से नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई किया जिससे वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन गया? तो वी कैन राइट 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. वी जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 7 to make it a perfect square. Next question number 3, 180. Apply the factorization method. So if you divide 180 by 2, you will get 90. If you divide 90 by 2, you will get 45. 45 is a odd number, so you will divide it by 3. At last you will get 15. देन इफ़ यू डिवाइड 15/3 यू विल गेट 5, एंड 5 को 5 से डिवाइड करते हो तो क्या आपको मिलेगा? यू ऑब्टेन 1. सो 180 इज इक्वल टू, यू कैन राइट 2 × 2 × 3 × 3 × 5. सी हियर 5 इज ओनली 1 टाइम, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय 5. जो आपको 1 टाइम दिखेगा उसी से आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग 180 बाई 5, यू विल गेट 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5. यहाँ पर सब पेयर बन गए, दैट बिकम्स 900. ये पेयर बन जाएगा 2² × 3² × 5². अब आप 900 का रूट लेते हो, देन इट बिकम्स 2 × 3 × 5. यहाँ से जो स्क्वायर है वो रिमूव हो जाएगा. द मल्टीप्लीकेशन ऑफ
ऑल नंबर्स बिकम्स 30। रूट भी मिल गया। सो आपने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए? 180 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 5 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 180 में आप 5 मल्टीप्लाई करते हो जिससे वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 2028। अगेन यू हैव टू अप्लाई द फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज 2028। आफ्टर डिवाइडिंग इट बाई 2 इट बिकम्स 1014। आफ्टर डिवाइडिंग इट बाई 2 इट बिकम्स 507। अब यहाँ पर इवन नंबर नहीं है, सो यू विल डिवाइड इट बाई 3, इट बिकम्स 169। 169 को हम 13 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, दैट बिकम्स 13। 13 को 13 से डिवाइड करते हैं, एट लास्ट वी गेट 1। सो आवर फैक्टराइजेशन इज कम्प्लीट हियर। यू कैन राइट 2028 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13 × 13। सो यू कैन सी हियर 3 इज ओनली वन टाइम, सो यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई 3। दिस इज 2028 × 3 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 13 × 13 × 3। सो मेक अ पेयर, इसका मल्टीप्लीकेशन आप करते हो, दैट बिकम्स 6084। दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर एंड दिस इज 13 स्क्वायर। यू कैन राइट 2² × 3² × 13² ना। आफ्टर टेकिंग द रूट ऑफ 6084 यू विल गेट 2 × 13 × 3 इज इक्वल टू 78। सो यू कैन राइट 2028 शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 2028 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज फॉर यू फॉर योर होमवर्क, ट्राई इट योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।